daing uy oblay hagani kapor bagilaban wan ya kaban wan ra ya ka tin ga jaw blay shefi baro ki bapet bag bi osngau ya ni gijela. और इस समय पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं आपके घरों तक उन सभी के बीच में जो इस समय पर हमें और इस प्रचार को देख रहे हैं और जिस विषय को लेकर हम बातें करेंगे इस समय पर और वो है परमेश्वर की उपस्थिति उसके मंदिर में उक्रेन का किताब एक्सोडस और मूसा ने जो है निगमन में कहा कलिनोंग बलाई फोलाई बरगर खट का बखटसन और वो है 33 अध्याय का जो है 15 पद वोंग लंदा के जिनोरन काचो में का ले लंबतगी उसने ये कहा कि अगर यदि तू आप न चले वतनोम या लम्शु येगी शवे पत नगर के जका तो हमें यहाँ से आगे न ले जा बट उबले वोंग हगर खट कबखटसाओ और उसके बाद परमेश्वर ने 14 पद में कहा यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा भले ही वो मोसेस उद्वान शोबले क्यों मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रहे क्योंकि मिस्र देश से जब उसने इज़राइल के लोगों को निकाला हमने ये देखा कि वो जो बादलों का है वो बादल उन्हें दिन के समय में ले गए और आग जो है उन्हें रात के समय में जो वो रास्ता जो से वो कभी गुजरे नहीं हमने ये देखा कि वो जो बादल है और साथ में आग है इन दोनों चीजों ने उन्हें दिन और रात के समय में उन्हें संभाल कर रखा और जो आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने मूसा के साथ किया हमने ये देखा कि लाल दरिया को उसने दो भागों में बांटा हमने देखा कि मारा का जो पानी तीखा है वो भी अच्छे में बदला जिस समय में पानी नहीं था उस समय हमने देखा कि चट्टानों से पानी निकला 40 साल जब तक वो चल रहे थे उनके बीच में कोई बीमार नहीं थी कि जान की नेप की जूती बट बारू की जिंदन कम की ने की सोई बट अमदन सतिया कनू कनू का दुकान दी जान लेने का दुकान दी दवाई लेने का हॉस्पिटल बकिनन कामी के चिंपन किया हेनरी के चिंकोट चिंकिया का डॉन हकी लेकिन हमने ये भी देखा कि उस समय में ना तो कोई कपड़े का दुकान था ना जूते का दुकान ना कोई दवा का दुकान लेकिन हमने देखा कि 40 सालों तक उनका कपड़ा उनका जूता या उनके खाने पीने या उनके कोई भी जरूरतमंद चीजें जो है कुछ नाश नहीं हुआ लेकिन वो अच्छे भले थे और हमने ये देखा कि परमेश्वर ने उन्हें खाने का भी प्रबंध किया सुबह के समय उन्हें मन्ना मिला और रात के समय में उन्हें जंगलों की मुर्गी मिली और हमने ये देखा कि परमेश्वर ने उन्हें जीत भी दी उन दुश्मनों से उन राजाओं से जो कि उनके आगे में थे हमने देखा कि ये परमेश्वर की उपस्थिति जो कि मूसा ने पाया और इज़राइल के लोगों ने पाया उसने बनाया कि मूसा ने कहा कि अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ न चले तो फिर हमें यहाँ से आगे न लेकर चल मूसा के लिए बहुत ही आवश्यक था कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ चले क्योंकि उसे पता था कि यही चीज जो है उसके जीवन में बहुत ही जरूरी है और ऐसे कोई दूसरी चीज नहीं है कि वो परमेश्वर से मांगे लेकिन केवल एक इतना ही और वो है परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति किनी एक्सपीरियंस बगिन शेम जो मोसेस ये के जिनर का जो ब्ले कल पलोंग ये ओ बनबु कुम का प्रायोरिटी ने का बंता ब कोंसा ने
और यही चीजें जो कि मूसा ने अपने जीवन में पाया, परमेश्वर की उपस्थिति बनाया मूसा को और इसराइल जाति को कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में सबसे आगे और सबसे ज्यादा मूल्य स्थान दे। उसके बाद में जब वो तंबू को बनाया और हमने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर जो है उस तंबू के बीचों बीच आया। किताब और हम देखते हैं निगमन के 40 अध्याय में कहिए तू बोलो ओ जो ब्ले बकबुरम जो ब्ले कला डन हक टेंपल जंगु। हमने ये देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर का बादल जो है वहां उस तंबू के अंदर था। But they have back jinoran kat jo ble but all ble udang don na tabernacle। और जब तक कि परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू के अंदर थी कि कौन इसराइल किम शम ले जिंग ले चनो शनो इसराइल के लोग कहीं भी निकल कर नहीं गए। और ना बोल ओ लेकिन जब वो बादल जो है वो ऊपर चला गया तब वो वहां से निकल कर यहाँ वहां जाने लगे। निकल जो मोसेस और हम यहाँ देखते हैं मूसा ने जो तंबू बनाया लपन पाओ ये कबूरम उबले बरुल ओ जो उबले यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के उस छत्र छाया को दिखाया। उबलों का बिंता बकोंसा ने अगर थाव निकल जो कि बहुत ही मूल्य और बड़ा स्थान है उस तंबू के अंदर। निचम हगा वही पर का बिंता और उसके बाद में अगर हम दूसरे भाग में देखे टेम्पल जो सोलोमन और वो है सोलोमन ने जो मंदिर बनाया जो उबले उस मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी। और इसे बनाने के बाद 7 साल के बाद टेम्पल जो सोलोमन जिसे हम बुलाते हैं सुलेमान का जो मंदिर और उसे अर्पित किया गया और वहाँ पर याचक आए जहाँ पर कि वो उस मंदिर को जो है अर्पित करने लगे और जब तक कि सुलेमान प्रार्थना कर रहा था उदंग क्रेंशाउब्ले वो परमेश्वर से बातें कर रहा था परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का छत्र छाया उसकी बादल उस घर के ऊपर प्रवेश करी। और हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास में जो है परमेश्वर का वचन कहता है और हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास 5 अध्याय में जब तक कि वो गीत गाने वाले गीतों को गा रहे थे और साथ में उन सारे चीजों को बजा रहे थे वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आई। जरूरी है कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कई बार जो है अपनी उपस्थिति को लेकर आता है और परमेश्वर का वचन जो है पहली राजा में कहता है और वो है 8:10-11 पद कहिए तू यही बकतबा की डंग पनलोंग ये के जिंकियां शोबले ये के टेंपल और यहाँ बताया जाता है कि जब तक कि वो बलि चढ़ा रहे थे उस सुलेमान के मंदिर पर कबूरम जो ब्ले उलो जो ब्ले भगवान हगता के टेंपल और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का बादल परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर के अंदर आई। सभी को परमेश्वर की महिमा से भरा गया क्योंकि वहाँ पर जो परमेश्वर की स्तुति किया जा रहा था उसने बनाया परमेश्वर को महिमा देते हुए। हमने देखा परमेश्वर की महिमा मूसा में हमने यहाँ पर वो भी देखा कि यहाँ सुलेमान के मंदिर पर परमेश्वर की महिमा को हमने देखा मूसा के तंबू में और अब हम देखेंगे नए नियम से हम देखते हैं कि नए नियम में किस तरह से परमेश्वर की महिमा जो है वो निकल कर आई। क्योंकि अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखे पहले पद से लेकर 4 पद तक यह बुक
यकबूरम जो उपलै हकपोर जो मनसी मखो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा को डाला गया पवित्र आत्मा के रूप में कोंकुम ने टियोंडल पोइगस की पेंटेकोस्ट की बारो के लिए डनलांग हकवे के जका और यहां पर बताया जाता है कि पेंटेकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे हुए टी किंडेट किंडेट लवान गजी सवान बनेंग कोंकल एर बा बेकर टेप बट कला पंडप ये के यिंग बरो के वे एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सम्राहट का शब्द और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया हमने के बाइबल के यू और यहां बाइबल बताती है जो जीसु कीडंग या डनलंग हक वे के जका हक स्की पेंटेकोस्ट जब तक कि प्रभु यीशु मसीह के चेले एक जगह पर बैठे हुए थे पेंटेकोस्ट के दिन पर कल एर बाब बेकर थे कल वन अपनेंग यहाँ पर बताया गया है कि एक तूफान एक आंधी जैसा आया अचानक आकाश से कबूरम जो ब्लैक वन ना का दूर जंगल एयर बा यहाँ परमेश्वर की महिमा आंधी के रूप में आई जब परमेश्वर ने मनुष्य को एदेन के बगीचे में बनाया उसने अपनी सांसें जो है उस मनुष्य में फूकी और तब जाकर वो मिट्टी जो है एक जान में और वो मनुष्य बना और वो हवा निकला परमेश्वर से वो आत्मा निकली जीवन निकला परमेश्वर से यही कारण है प्रत्येक एक मनुष्य जिसे इस संसार में जन्माया गया वो परमेश्वर को ढूंढता है वो कहता है कि हे प्रभु उसे पता है कि परमेश्वर है अगर एथेस ये कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि वो है बिना सोचे समझे लोग जो है परमेश्वर के अलग अलग रूपों में ढूंढते हैं और पेंटेकोस्ट के दिन पर हम देखते हैं कि वो आंधी अचानक से आकाश से आई बदकल रूम कमरा और वो उस कमरे के अंदर गई गई और उस पूरे घर को जो है उसे भरा कमरा बहने वो परमेश्वर से जो हवा निकला वो जीवन जो परमेश्वर से निकला वो प्रत्येक एक मनुष्य को छू गई जो उस ऊपर वाले कमरे में मौजूद थे ये परमेश्वर की महिमा है ग्लोरी ऑफ गॉड जिसे हम कहते हैं महिमा जो है शिकायना यहाँ पर जो है परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है उसके मंदिर में रहना चाहता है हम देखते हैं तीन पर और उन्हें आगे से ही जीभ फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक के ऊपर वो ठहरी यहाँ पर आग भी उतर कर आया और उन प्रत्येक एक लोगों के ऊपर जाकर बैठी की और क्या है वो डी कमरा बहने 120 इंसान जो कि वहाँ यरूशलेम में थे और वो आग जो है परमेश्वर से निकल कर आया हम यहाँ पर बादल के बारे में कहते हैं हम यहाँ पर आग के बारे में कहते हैं हम यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के बारे में कहते हैं परमेश्वर जो आग भेजता है उसके बारे में कहते हैं यहाँ पर भी परमेश्वर की आग आया यहाँ पर हम पूछ सकते हैं वो आंधी कौन है और वो आग कौन है और चार पद में वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और यहाँ पर जो है चार पद कहता है कि यहाँ पर आंधी और आग यहाँ पर उन दोनों का आने का अर्थ है पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई कि पवित्र आत्मा इनके ऊपर आई
और इन्हें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा भरा गया। और बाइबल बताती है कि वो अन्य भाषा बोलने लगे उतना जितना कि पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ दिया कहने के लिए। पवित्र आत्मा को अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अन्य अन्य भाषा बोलना बहुत ही अनिवार्य है। हर एक इंसान के लिए जरूरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाए ताकि वो उद्धार को पाए। हर एक इंसान जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाए ताकि वो अन्य भाषा में बातें कर सके। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आती है परमेश्वर की महिमा को दर्शाया गया। क्योंकि वहां पर जो है परमेश्वर की महिमा को दिखाया गया दिन के समय बादलों के रूप में, रात के समय आग के रूप में। लेपन पाओ याओ तौलो जब कपूरम, यहाँ पर जो है उस महिमा को दिखाया गया। पाओ ये के जिंदर रंग का जो ब्ले परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर दिखाया गया। तब वो आपसल पॉल वंग, जहाँ पर की पॉल प्रेरित ने कहा कि बले लम दो मन सेम बखूर कि जिस किसी को भी पवित्र आत्मा के द्वारा ले गए कि ताल आई बोर बन लोग की खून जो ब्ले उन लोगों को सामर्थ दिया गया ताकि वो परमेश्वर के संतान कहलाए। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है योहन्नेस खंड्री उखल्लाय यूहन्ना 16 का 13 हेनरी ओंडाला वन मऊ उमेन सेम गजी शिशा कैन उन यलाम ये पीश गजी शिशा बारो। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा। नमार वो नम क्रेन नल दे इन रही कि एक ही रू कर कि बाउन यो स्नाउ उन क्रेन बार उन पन पाव पी कि एक ही कि बन सवान, क्योंकि वो अपनी आर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अगर खुद कब खलाए हम देखते हैं कि 13 पद में उन सेम बखूद उपाव कुमुनोंग यलम, यहाँ पर 13 अध्याय में पवित्र आत्मा अगुवाही के रूप में ताकि जब जो है पवित्र आत्मा आए वो तुम्हें हर सच्चाई की तरफ ले जाएगा। और उसके बाद 14 पद में ये कहता है वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो पवित्र आत्मा उन पेंडन बुरम यो जीसु क्राइस्ट अपी, वो जो है प्रभु यीशु मसीह को महिमा देगा आपके अंदर। नब पी बिलोंग के टेंपल के इंशोंग यो मन से मकोट, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मंदिर है, आप पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। बट मन से मकोट उन पेंडन बुरम यो जीसु क्राइस्ट लेंग बाजों पी, और परमेश्वर की जो है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को महिमा आपके जीवन के द्वारा देगा। उन पेन पाओ यो जीसु अपी, वो यीशु मसीह को आपके अंदर दर्शाएगा। आप यीशु को देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश हमने देखा कि एक सेविकाय में जो है उत्तर प्रदेश में जब तक हम प्रार्थना कर रहे थे अचानक उस कमरे में जो है लोग रोने और चिल्लाने लगे, यहाँ पर रो रहे थे खुशी के द्वारा। और जब पूछा कि क्या हुआ, अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और तब उसने कहा कि मैंने देखा कि प्रभु यीशु को दर्शाते हुए इस सेविकाय में, और यह सच हो सकता है कि हम यीशु मसीह को देखें। क्योंकि कई बार यीशु ने अपने आप को दर्शाया और दिखाया अपने आगमन के बाद। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को आपके अंदर दिखाएगा। और यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दिखाएगा, इतना तक कि मनुष्य और लोग जो है परमेश्वर की महिमा को आपके अंदर देख पाएंगे।
Bible gong to court bakatsan. यहाँ बाइबल 15 पद में कहती है। करके वो पाउडन के लोग की जोंगा नमार का तांग अल ऑंग उन शिम ने का जोंगा बार उन पेन पाव हफी। जो कुछ भी पिता का है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। उन सेम को उन शिम ने का जोंग यीशु क्राइस्ट उन पेन पाव हफी। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह में जो है उसे लेकर वो आपको दिखाएगा। हमने उमन से मखोई पाव को मुनोंग पेन पाव इके जो ब्ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की चीजों को दर्शाने वाला बनकर दिख रहा है। कुमुनोंग यलाम कुमुनोंग इकाई कुमुनोंग पेन पाव। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसे एक शिक्षक के रूप में, वो जो हमें दर्शन देता है, वो जो हमें अगुवाही देता है। कबुरम जो ब्ले। और यहाँ परमेश्वर की जो महिमा है पाव अभी वो आपके अंदर दर्शाया जाएगा, आपके परिवार में, अगर कम के जम जो पी, आपके कार्य में, बट अगर ताह के जिंगलों जिंगिम जो पी के बाम मंगसी, और आपके जीवन में जो आप हर रोज अपने जीवन में चलते और गुजरते हैं। नेक कॉस्पर योहानेस खत साउल नंग के रिकॉर्ड कब खत सन हदू खत प्रा। और यहाँ पर हम देखेंगे यहुन्ना शुभ समाचार 14 अध्याय का 15 से लेकर 18 पद। लड़ाई ये जगह तो सुमार युकुम जोगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि यहाँ पर वो आत्मा जो आपके साथ बनी रहे या फिर वो जो आपके साथ बनी रहे जो भी वो आपके अंदर रहेगा, उन ऐसा हल्ला करता वो आपके साथ सर्वदा सर्वदा रहेगा। अगर तबर्नाकल जो मोसेस यहाँ मूसा के तंबू में, अगर टेंपल जो सोलोमन यहाँ सुलेमान के मंदिर में, यहाँ पर पवित्र आत्मा आई और वापस चली भी गई। यहाँ पर परमेश्वर की महिमा आई और वहाँ से चली भी गई। यहाँ पर वो बादल के रूप में, आग के रूप में और महिमा में, न्यू टेस्टामेंट लेकिन नए नियम में वंडर पर्सन गॉड लने ब्ले। और यहाँ पर जो है परमेश्वर की महिमा जो है व्यक्तिगत, यानी कि वो आत्मा में आई। ये परमेश्वर जो कि आपके अंदर आकर हमेशा रहेगा, वो आकर नहीं जाएगा लेकिन वो हमेशा के लिए रहेगा। वो आपके साथ सर्वदा सर्वदा रहेगा। इतना तक कि आपका जीवन जहाँ पर कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। अगर आप इस संसार से चले अगर आप इस संसार से चले जाते हैं, वो अलगाव है आत्मा और मांस का, लेकिन आपकी आत्मा को वो कभी नहीं मरता। आप परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें जो है अनाथ नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। वो आपको अनाथ बनाकर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, आप अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं लड़ेंगे, आप अकेले नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपके साथ चलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला कोरिन्थी यहाँ पर 3 अध्याय का 17 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर हो, और उस परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर पर वो आप हैं। और यहाँ पर जो है 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है। और यही कारण है कि जो कोई भी कोशिश करेगा परमेश्वर के मंदिर को नाश करने के लिए, मैं उसी का नाश करूंगा
होगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर जो है वो पवित्र है। हमने ले बताए और यहाँ पर बताया गया बाबिलोन का टेंपल कयिंशोंग उबले हगबोमेंट सिंबले शोंग सापोजो पी कि आप परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर है जहाँ पर कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए रहने के लिए आती है। ग्रेन में ने ये कि चिंडोरन कांचो उबले हम यहाँ से कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। मोसेस पर कि कौन इस्राएल मूसा और इस्राएल जाति के बीच हाँ का टैबरनेकल जो मोसेस मूसा के तंबू में हाँ का टेम्पल जो सोलोमन सुलेमान के मंदिर में हेनरी हन्ने देखा बताओ लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं स्पष्ट रूप से बताया गया है टेम्पल जोंग उब्ले यहाँ पर बताया गया कि परमेश्वर आपके अंदर आकर रहना चाहता है यहाँ पर कि आप परमेश्वर के मंदिर है और आप पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है और क्योंकि परमेश्वर जो है हाथों से बनाए हुए घर या मंदिर पर नहीं रहना चाहता लेकिन जब से आपकी स्थापना जो है आपके माँ के कोख में किया गया परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है आपके शरीर और आपके अंदर में रहना चाहता है और इस वचन को अंत करते हुए वो सही मंदिर जिसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है वो आप और हम है कपूरम जो ब्लेक दे बन लोंग अभी बट हंगा परमेश्वर की महिमा जो है वो आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए कटिंग जो ब्लेक दे बन लोंग अभी बट हंगा परमेश्वर का आग जो है वो आपके और मेरे अंदर होना चाहिए उमन सेम जो ब्लेक उडन अभी पवित्र आत्मा जो है वो आप में है बट सुमर को ये के टेंपल जो ब्लेक और परमेश्वर की जो मंदिर है उसे आप ध्यान पूर्वक रखे उसे नाश न करे देखी जिंगलोंग बसनी आप बुरी आदतों के द्वारा देखी तीन बसनी बुरे बातों के द्वारा देखी जिंगबाम जिंगडी बसनी गलत चीजों को खाते पीते हुए और आपका जीवन जो है पवित्रता में और अर्पण किया हुआ चले तो टेम्पल आप ये जाने की परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है क्योंकि आप जो है परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर निवास करना चाहती है हम प्रार्थना करें जहां पर भी आप हैं प्रेम ने खींचेंगे आप विश्वास के द्वारा अपना बिलोंग द टेंपल इन शोमन सी बको कि आप परमेश्वर के पवित्र स्थान है और बिलोंग की ब्रीव ब्लेसिस पाद का डोर का नाम यीशु आप वे लोग हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने मूल्य लहू के द्वारा खरीदा है याद का बोर जो ब्ले परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और सामर्थ के द्वारा चले और पवित्र होकर और शुद्ध होकर और आप अपने शरीर में चंगाई से चलेंगे और आपको छुटकारा प्राप्त होगा जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस समय पर उन सभी लोगों के लिए जो आपके वचन को सुन रहे हैं ताकि वो इस बात को विश्वास करे उनका शरीर जो है पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है जो ब्ले उन दोनों की ताकि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर बनी रहे परमेश्वर ये सबसे अच्छा चरित्र और ये चरित्र जो आपने उनके अंदर दिया ताकि वो अपने आप को संभाल कर रखे अपने आप को ध्यान करें उन सारे अपवित्र चीजों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बीमारी लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ताकि वो इस समय पर परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें क्योंकि उनका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है कोई भी तरह और किसी भी तरह की बीमारी उनके शरीर से जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगाई को प्राप्त करे और जितने भी दुख या चिंता है और जितने भी गलत आदतें हैं उनके जीवन में किसी भी तरह का क्यों ना हो उन सारे चीजों को हटाकर जो है उन्हें नाश किया जाए प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को जो है आप हमेशा पवित्रता में लेकर चले और उनका शरीर जो है पवित्र आत्मा का रहने का स्थान बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमेन।